नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप IRCTC में नया अकाउंट किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप कहीं पर भी जाते हैं, आप कहीं पर जाने की या तो प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप जाते रहते हैं, जिसके लिए आपको ट्रेन की टिकट करने की जरूरत पड़ती है, और वहाँ पर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफी ज्यादा लंबी भीड़ देखने को मिल जाती है, पर वहाँ पर आप लाइन लगाना नहीं चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको IRCTC की ID की जरूरत पड़ेगी, तो वही मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप 2024 में IRCTC की नई ID किस प्रकार से ले सकते हैं, किस प्रकार से आपको अकाउंट बनाना है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आकर के IRCTC रेल कनेक्ट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि अभी आपके पास नहीं होगा। तो किस प्रकार से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, किस प्रकार से न्यू अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर यूजर, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले कॉलम में यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में दूसरे वाले कॉलम में आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डाल देने के बाद में आपको थर्ड कॉलम में यूजर नेम दे देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूजर नेम डालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक यूजर नेम दे देना है जो कि यूनिक हो, कुछ ऐसा यूजर नेम आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम डाल देता हूँ। यूजर नेम डाल देने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड डाल देना है। कन्फर्म पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है। नाम डाल देने के बाद यहाँ पर आपको मिडिल नेम डालना है, उसके बाद में यहाँ पर अगर लास्ट नेम हो तो लास्ट नेम डाल सकते हैं। मिडिल नेम और लास्ट नेम दोनों ऑप्शनल हैं, यहाँ पर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देने के बाद में यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन को सिलेक्ट कर देने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी आंसर। अब जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका यहाँ पर आपको आंसर डाल देना है। आंसर डाल देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्यूपेशन, यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप मैरिटल स्टेटस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सेकेंड पेज पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं रेजिडेंस एड्रेस। अब यहाँ पर आपको अपने रेजिडेंस का एड्रेस डाल देना है। रेजिडेंस एड्रेस डाल देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट कंट्री, यहाँ से आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डाल देने के बाद यहाँ पर आपको सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी सिलेक्ट कर देने, जैसे ही आप सिटी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस, यहाँ से आपको अपना पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आप अपना ऑफिस एड्रेस दे सकते हैं। ऑफिस एड्रेस डाल देने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर से यहाँ पर आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस यूजर नेम आपका आ जाएगा। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय योर सर्विसेज। यहाँ पर दोस्तों आपका जो न्यू अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, पर आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करने के बाद में ही आप इसको यूज कर पाएंगे। तो किस प्रकार से आपको वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज लॉग इन टू वेरीफाई योर अकाउंट, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आप साइन इन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो भी यूजर नेम बनाया हुआ था वही यूजर नेम आपको डाल देना है। यूजर नेम डाल देने के बाद यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड बनाया हुआ था वही पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। यूजर नेम पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद सिंपली आपको लॉग इन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइंग यूजर। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वेरीफाई अकाउंट,
यहाँ पर आपकी यूजर आईडी आ जाएगी, उसके जस्ट नीचे ही आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब ओटीपी को सेंड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सेंड ओटीपी, सिंपली आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं एसएमएस ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आपने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ था उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डाल देने के बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ईमेल आईडी दी गई है, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं सेंड ओटीपी, यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल ओटीपी सेंड टू मेल, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दिखा दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपने जो ईमेल आईडी दी हुई थी उस ईमेल आईडी पर भी ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ओटीपी डाल देने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई यूजर पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई यूजर पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूजर, यहाँ पर आपकी यूजर आईडी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से साइन इन पेज पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी डाल देनी है और उसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने पहले से अपना अकाउंट बना रखा है और आप अपने अकाउंट का यूजर आईडी या फिर पासवर्ड को भूल गए हैं तो आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देख करके आप आसानी से पुराने अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देने के बाद में कैप्चा फिल करना है, उसके बाद में आपको सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक कर देने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पिन जनरेट कर लेना है, जो कि दोस्तों आप जब भी इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे, जब भी इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको यही पिन नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, जिससे कि कोई और इस एप्लीकेशन का यूज ना कर पाए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको पिन जनरेट कर लेना है। पिन जनरेट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर अगर आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप फिंगर भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लीज रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस ऑफ फ्यूचर यूज, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब आपका यहाँ पर बायोमेट्रिक भी लग चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो आईडी मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माई अकाउंट, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको माई प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। माई प्रोफाइल पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल में मैंने जो आईडी बनाई हुई है वो आईडी यहाँ पर आ चुकी है। अब दोस्तों आपने जो न्यू अकाउंट बनाया हुआ है इस अकाउंट में अगर आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने IRCTC अकाउंट में आधार को लिंक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप IRCTC में न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।